हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम हलवाई स्टाइल मिठाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और एकदम 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मेरी इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें 1 चम्मच के लगभग देसी घी डाला है। जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब यहाँ पे नारियल का जो पाउडर होता है वो हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे 2 कप के लगभग मैंने नारियल का बुरादा लिया है और इसे भी थोड़ा देर, मतलब आधा मिनट हम इसको ऐसे ही भुनेंगे। उसके बाद जब ये भुन जाएगा, तब यहाँ पे आधा कप मैंने दूध डाला है और आधा कप घी डाल दूंगी, मतलब टोटल 1 कप हमने यहाँ पे दूध डाला है। अगर नारियल का बुरादा 2 कप ले रहा है तो दूध हमें 1 कप लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए, तो जब अच्छे से मिल जाएगा तो मैं और डाल देती हूँ। अगर चाहे तो आप एक साथ भी डालकर इसे अच्छे से मिला सकते हैं। और जो गैस का फ्लेम है उसे मीडियम टू लो रखिए। और यहाँ पर देखिए, जब दूध अच्छे से इसे मिल जाएगा और हल्का सा सूख जाएगा, तब हम यहाँ पे डालेंगे पिसी हुई शक्कर। तो पिसी हुई शक्कर जो है मैंने 1.25 कप के लगभग डाला, मतलब 1 कप से थोड़ा कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने अनुसार से कम ज़्यादा मीठा को आप बैलेंस कर सकते हैं। और ये जब शक्कर अच्छे से इसमें सब अच्छे से मिल जाएगा, तब यहाँ पे दूध पाउडर, तो आधा कप हमने यहाँ पे दूध पाउडर लिया है। तो दूध पाउडर को भी आप चाहे तो आधा कप या फिर आधा कप से भी थोड़ा कम ले सकते हैं। इससे क्या होता है, मावा जैसे टेस्ट आएगा, जो हम मार्केट से लेके आते हैं ना, सेम वैसे ही मावा जैसे टेस्ट, और एकदम जूसी आपका लड्डू बनकर तैयार होगा। और ये देखिए, सभी को मैंने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी यहाँ पर डाल दीजिए, मैं थोड़ा सा बनाने के टाइम थोड़ा स्किप हो गया था। और यहाँ पे सभी को अच्छे से मिलाने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, इसे आसानी से हम ऐसे लड्डू बना सकते हैं। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए, जब इसे हाथों में पकड़ सके, तो ऐसे गोल गोल शेप देके आपको लड्डू बना लेना है, जितना बड़ा आपको बनाना है। और नारियल का जो बुरादा है उसमें ऐसे कोट कर दीजिए, जिससे कि बहुत ही सुंदर दिखेगा, एकदम मार्केट जैसे दिखेगा। और इस सारे लड्डू को ऐसे ही तैयार कर लीजिए। और बहुत ही आसान इसे बनाना, कभी भी आप इसे बना कर किसी को खिलाएंगे और बोलेंगे कि आपने इसे घर में नहीं बनाया, तो यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वाकई में लोग मान जाएंगे कि आप इसे मार्केट से खरीद के लाए हैं। अब इसके ऊपर आप कुछ भी ऐसे सजा सकते हैं, जैसे कि पिस्ता हो, जो कोई भी ड्राई फ्रूट हो, उसे आप कतरन करके यहाँ पे सजा सकते हैं। मैं यहाँ पे केसर के लच्छे थोड़ा सा सजा देती हूँ, जैसे कि दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। और ये देखिए, लड्डू बनकर तैयार है। इसे तोड़ के दिखाती हूँ दोस्तों, एकदम जूसी बना, जैसे कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वैसे ही। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।